तो लाइव स्ट्रीम पे ना मैं एक मैच खेल रहा था, मुंबई इंडियंस वर्सेस पाकिस्तान। स्ट्रीम पे तो नहीं जीत पाया, यहाँ पे जीतने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान ने जीता है टॉस एंड दे आर बॉलिंग फर्स्ट। बैटिंग की ओपनिंग कर रहे हैं रोहित शर्मा एंड ईशान किशन। इधर है शाहीन अफरीदी। वाइल्ड स्टार्टिंग वाइल्ड से करिए बताओ। तो लाइक ना करो तो कर देना, एंड रेगुलर देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। अटेंडेंस मार्क करना मत भूलना। एज एंड फोर, एक बॉल पे 5 रन हो गए, अपना क्या जाता है ना। बाय द वे इट्स अ T10 मैच, अगर ना बताओ तो, बहुत टाइम बाद हो रहा है और ये मैच मैं कर रहा हूँ सिडनी में, मेरे को भी नहीं पता क्यों। अरे पुल करने की कोशिश करी थी, बॉल काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ये वैसे मेरे को पता ही ये मैच होने तो वाला है नहीं। लेकिन स्ट्रीम पे तभी भी लोगों को कॉन्सेप्ट तो बहुत पसंद आया था, तो मैंने बोला सोचो खेल ही लेते हैं। चौका आएगा या पता नहीं, देखते हैं। ये साइड ना बहुत बड़ी है, चलो तो चौका आ गया। प्लस ये हाई स्कोरिंग हो सकता है अगर हमने कुछ रन मार दिए तो। जैसे जैसे मैं थोड़े थोड़े आउट करवाता रहूँगा वैसे वैसे मैं आपको लाइनअप भी बताता रहूँगा। क्या चौका नहीं जाएगा? बस अभी के लिए इतना बता देता हूँ कि 5 फॉरनर खेल रहे हैं मुंबई की टीम में, जैसा कि अपने IPL ऑल स्टार्स की सीरीज में भी चल रहा है। अरे 5 बॉलों पे 11 रन तो हो ही गए, 2 रन और आ जाएंगे। बैटिंग ऑफ द फर्स्ट ओवर तो 130-150 तो बनने चाहिए। ईशान किशन आते हुए नए बाल लगा दी ईशान किशन को गेम ने, अगर आपने देखे हो तो। सामने मोहम्मद आमिर है। वाइल्ड, अबे दोनों पेसर ही वाइल्ड के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, क्या बोलूँ। वैसे अपना क्या जा रहा है, अपने लिए तो फ़ायदा ही है। और अगर अभी तक ऑल स्टार्स वाली सीरीज ना देखी हो ना, जाके देख के आना, 2 एपिसोड आ चुके हैं। फुल टॉस एंड अ सिक्स। ईशान किशन असली में तो खेल नहीं पा रहा इतना, लेकिन गेम में खेल रहा है अभी। गुड शॉट। अरे बॉलिंग यार, क्विक सिंगल नहीं होगा। और अगर अब मैं लाइव स्ट्रीम्स की बात कर ही रहा हूँ, तो मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम्स पब्लिक कर दी हैं, पिछले की 10 या 12, जाके देख लेना जिसको देखनी हो। बहुत लोग कंप्लेन करते थे कि भाई आपकी स्ट्रीम प्राइवेट हो जाती है, डिलीट हो जाती है, अब जाके देख लो, कंप्लेन सॉल्व। वैसे तो रात के 10 बजे होती है यूजली स्ट्रीम जब भी करता हूँ मैं। 4, यस। ईशान किशन बढ़िया फॉर्म में लग रहा है वैसे, लाइव स्ट्रीम पर तो बहुत गलत हारा था मैं ये। चौका आ जाएगा, 28 हो गए 11 बॉलों पर, 15 रन तो इसी ओवर में आए हैं और 15 ही रहेंगे। और ये अफरीदी का लास्ट ओवर अभी करवा रहे, मेरी गलती नहीं है, उनकी मर्जी। वैसे इनके पास नसीम शाह भी है, हारिस रॉफ भी है, तो ये जैसे मर्जी बॉलिंग करवाए, अपना क्या जाता है। शॉट सीधा खेला है रोहित शर्मा ने, इट्स अ 4। रोहित शर्मा की थोड़ी स्लोएस्ट स्टार्ट है। और भाई तुम लोगों को क्या लगता है अगले साल मुंबई किसको रेटिंग करेगी? देखो रोहित शर्मा शायद रेटिंग ना हो, हार्दिक पांड का शायद रेटिंग ना हो, सूर्य कुमार शायद कैप्टन बन जाए, बुमराह तो पक्का रेट लगेगा, इतना मेरे को लगता है। वैसे क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। सिंगल आ जाएगा एक और सूर्य कुमार बनने की कोशिश करी एंड इट वर्क। और एक बहुत बढ़िया लिंक मिलेगा आपको कमेंट सेक्शन में, पता है किस चीज़ का? मेरे इंस्टाग्राम का। पार प्ले में 38 for 0। अब 7 ओवर में 100 रन मारने, बढ़िया टारगेट देने के लिए नसीम शाह आते हुए। और अगर मैंने इसको नसीम शाह बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी, द रियल वंस नो नसीम शाह वाला सीन ना। अरे बॉलिंग यार, बैट टच भी नहीं हो पाया, अगर मैं अग्रेसिव खेलता तो शायद लग जाता। और ये कैच नहीं होगी, बड़ा स्टेडियम होने का कुछ तो फ़ायदा है। और लास्ट टाइम में ना मैंने एक IPL की टीम और एक PSL की टीम का ना मैच करा था। IPL की टीम थी RCB और उसके सामने थी पेशावर, जिसमें उस टाइम शायद बाबर आजम था, अभी भी हो तो पता नहीं, लेकिन वो मैच का लिंक ना मैं आपको दे दूंगा एंड में। आ गया बाबर आजम ही आ गया। लो ईशान किशन 10 बॉलों पर 16 और चौका मारने की कोशिश करी, एक्स्ट्रा कवर पे कैच करी किसने, बाबर आजम ने, 11 बॉलों पर 16 और आउट। मैंने बोल दिया था ना उसकी बढ़िया फॉर्म चल रही है, तो रन कैसे मारेगा वो, ये भी तो सोचो ना। और इसको दोबारा नसीम शाह बोल के गलती कर दी मैंने थोड़ी थोड़ी, चलो तो सिंगल ही ले लेते हैं। 41 in 4 ओवर्स, 6 ओवर में अभी भी 100 रन मारने, सोचो। हारिस रॉफ आते हुए, अरे नहीं भाई ये क्या खेला मैंने, बहुत ही गंदा शॉट, बहुत ही गंदा। चौका मारने की कोशिश करी एंड ये लग भी जाएगा, रेड शॉट कवर्स पे, सूर्य कुमार ने मारा बाय द वे। हारिस रॉफ परेशान होते हुए दोबारा कवर्स के ऊपर, सही यार चौका ही है, 6 होना चाहिए था, बताओ। मैं तो ऑल आउट अटैक करूंगा अब सीधा सीधा, मतलब आउट ना हो बस, 7 नंबर तक बैटिंग है इसलिए बोल रहा हूँ। पीयूष चावला की जगह मोहम्मद नबी खेला है मैंने 5th ओवर सीज ना, और एक्स्ट्रा कवर पे खेला है
अबे यार सिक्स ही नहीं मार पा रहा मैं, मेरे को खेलना ही नहीं आता है। अभी 11 पर ओवर ही जा रहे हैं हम लोग। लो दोबारा, इस बारी कम से कम टाइम हो पाई है, 60 हो गए, 12 पर ओवर जा रहे हैं हम। नसीम शाह इज बैक, सिंगल ले लेंगे। ये शादाब से बोलिंग अप करवाएंगे फिर, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। अगर आखिरी के 3 में से 2 हुए मैं रो दूंगा, तो इसलिए अभी जितने रन मारने मार लो चुपचाप, बाद में मौका मिले ना मिले। अरे सूर्या, शॉट सीधा खेला है, चौका तो नहीं आ रहा इतना पता है मेरे को। मिनिमम टू मिनिमम 130 तो मारने ही पड़ेंगे, 140 वुड बी अ गुड स्कोर। बाबर ने दोबारा कैच कर ली। आई गेट तिलक वर्मा नाउ, परेशान कर दिया नसीम शाह ने, रन भी नहीं खाए और विकेट भी ले ली। सीधा खेला है और बच गया भाई, 66 इन 6 ओवर्स। इस ओवर में सिर्फ 6 ही आए हैं। नसीम शाह ने 2 ओवर में 2 विकेट और 9 रन, दैट्स इट। शादाब आ गया, चलो अब फाइनली। रोहित ओवर में कम से कम 2 छक्के चाहिए, बाकी छोड़ो। चलो कम से कम ट्राई कर रहा है, ये भी बढ़िया बात है, चौका आ जाएगा। अरे आउट नहीं है, आउट नहीं है, चिंता मत करो, कट करे, चौका आ जाएगा। एक और, अब एक सिक्स आ जाना बस। मेरे को पता था ये गूगली डालने वाला है। 5 लेग पे खेल दिया 4 मोर। फालतू में शादाब से डर रहा था भाई मैं तो। बाबर फील्ड लगाते हुए, रोहित शर्मा का जर्सी नंबर 45, अभी 45 रन्स पे ही है वो। एंड एक और चौका, ये पॉइंट और कवर के बीच में गई है वैसे, बढ़िया शॉट। ही इज ऑन 49 नाउ। विराट कोहली नहीं खेल रहा अभी, चिंता मत करो। और दोबारा गंदी बॉल, पुल कर दिया है फाइन लेग पे, एक और चौका। रोहित शर्मा की 53, अब बोलो हिट कर दो रोहित शर्मा को। 50 लगवाई है मैंने, बढ़िया बढ़िया एकदम, 21 बॉलों पे। ये देखो यहाँ यहाँ पे खेला, बस मिड विकेट खेलने का मौका नहीं मिला उसे। हरीश रॉफ आता हुआ वापस, पहले ओवर में 19 रन पे गया था ये। अब तिलक वर्मा पेलेगा, देखना, सीधा खेला एकदम। अब उस क्रेट अच्छा सिक्स। हरीश रॉफ मेरे को लगता है रन खाने आता है, ये तो पाकिस्तान के लोग भी मान जाएंगे, मना नहीं करेंगे वो। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर भी कर देना, सही बता रहा हूँ। देखो मिड विकेट अभी तक किसी ने खेला नहीं था, मैंने बोला तिलक वर्मा से ही खेल देते हैं, शायद सिक्स चला जाए, लेकिन बाउंड्री इतनी बड़ी दिक्कत हो गई। 3 रन आ जाएंगे, लेकिन तब भी 3 बॉलों पे 10 रन हो गए। तिलक वर्मा, 1 सिक्स चाहिए अभी इस ओवर में और ना मेरे को। पुल करा रोहित शर्मा ने और आउट। या थोड़ी थोड़ी तो एज हो रही है मान लो, 22 बॉलों पे 53, ग्रेट इनिंग्स। हार्दिक आते हुए, यार आती 1 सिक्स तो मारी हो हार्दिक कम से कम। लो बहुत बढ़िया सिक्स लगाए, इतनी दूर बॉल गई है कि भाई बॉल कौन लेने जा रहा है पता भी नहीं है। सीधा खेला है तिलक वर्मा ने, होपफुली चौका चला जाए, लेकिन आएंगे शायद 2 ही रन जहाँ तक मेरे को लगता है। यस, आखिरी के 2 ओवर में 30 रन तो निकालने ही पड़ेंगे कुछ ना कुछ करके। चौका मारने की कोशिश करी, 2 ही रन आ पाएंगे जहाँ तक लग रहा है मेरे को। यस अगेन सेम, 2 ओवर में 5 छक्के मुश्किल तो हैं। अब ये शादाब खान दोबारा आ गया है, एक तो और इतनी स्लो बॉल डाल रहा है वो। 5 सिक्स मारना अभी भी, एक नहीं लगेगा। और अब आएगा टिम डेविड, देखते ये भी क्या ही कर लेता है। कवर्स पे खेलने की कोशिश करिए, और ये भी आउट हो सकता है, लेकिन नहीं हुआ गुड। इस ओवर में तो कुछ भी रन नहीं आए। चौका मारा पॉइंट के ऊपर से तिलक वर्मा ने, गुड शॉट, बढ़िया खेला भाई। एक बाउंड्री भी और चाहिए। फाइनल पे खेल दिया तिलक वर्मा ने इस बारी, 4 मोर, ये भी बढ़िया शॉट है वैसे तो। एक और चौका आ जाए बस, ग्रीड तो वैसे ख़त्म होती नहीं है मेरी, लेकिन 2 रन भी चलेंगे अभी। 111 हो गए 9 ओवर में, 111 किसका जर्सी नंबर ये सबको पता है। मोहम्मद आमिर आते हुए, 3 सिक्स चाहिए अभी भी ओवर में, आ जाए तो बढ़िया है, जो कि लग नहीं रहा। अब कवर्स के ऊपर से खेलने की कोशिश करी, एंड टिम डेविड आउट। मोहम्मद नबी आते हुए, अब 4 बॉलों पे 3 सिक्स मारेगा ये जरूर। ये देखो चौका लग सकता था, लेकिन लगा नहीं सैडली। 2 सिक्स तो अभी भी चाहिए यार, भाई मार दियो प्लीज। चलो लग गए लग गए, बहुत बढ़िया सिक्स लगे, इतने बढ़िया सिक्स लगे कि मजा आ गया। 117 रन हुए हैं, आमिर का बहुत बढ़िया ओवर है बाय द वे। स्क्वायर पे खेला है, 1 ही रन आएगा, 118 हो गए हैं। 1 सिक्स मतलब इनको 125 का टारगेट मिलने वाला है। इट्स ऑल अप टू तिलक वर्मा नाउ,
और वो हो जाएंगे आउट। कम से कम 15 रन शॉर्ट है। कोई नहीं भाई कोई नहीं, पाकिस्तान को चाहिए 119 रन। बुमराह आ रहे बॉलिंग करने के लिए, सामने सैम अयूब एंड बाबर आजम। पहली बॉल पे 2 रन आ गए। ओनली बुमराह कैन सेव अस नाउ, और कोई नहीं। बॉल पकड़, गुड। पहले 2 ओवर तो काफी अच्छे डालने पड़ेंगे। एज एंड चौका आ जाएगा। चलो इसमें बुमराह की गलती तो नहीं है भाई। बॉल पकड़ेगा प्लीज, थैंक यू। बाबर आजम आते हुए क्रीज पे, इसकी विकेट लेनी जरूरी। वैसे शायद जरूरी नहीं है, मैं बता दो क्यों। क्योंकि जितनी देर बाबर क्रीज पर रहेगा उतने चांसेस हमारे हैं क्या जीतने के, क्योंकि उतनी देर स्लोली स्लोली खेलेगा ना, एक एक रन लेगा बस। पहले ओवर में 8 रन आया बाय द वे। नकली मलिंगा आते हुए आउट। नकली मलिंगा ने विकेट ली, किसकी? बाबर आजम की। अनिल चौधरी है बाय द वे है। बाबर बाय बाय भाई, नहीं लिया रिव्यू, गुड फॉर अस। रिजवान आते हुए, रिजवान तो शायद छक्का मार दे, बाबर का पता था नहीं मारेगा। देखो आया पहली बॉल पे चौका मार रहा है। अब देखो रिजवान, उससे बढ़िया तो बाबर ही था ना। देखो इतना भी गलत नहीं होता हूँ मैं। और बॉलिंग में हमारे पास क्विड्जी हैं, और शायद बैटिंग में ब्रेविस नहीं आया था। बाकी सारी लाइनअप तो आप लोग समझ ही गए होंगे। चलो तो चौका बचा, बहुत बढ़िया बॉल पकड़। अबे यार पाकिस्तान के साथ खेलते खेलते पाकिस्तान जैसी फील्डिंग हो गई है इनकी। ये देखो क्विड्जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो और रन मत लगने दो, बाकी सब बढ़िया। ये एक और बॉल अच्छी निकल गई, आई विल बी हैप्पी। यस दिस वर्क्स ब्रो। क्विड्जी इस बार ही नहीं पकड़ता ना, तेरे को ओवर नहीं देता मैं, गारंटी। आ जाओ भाई हार्दिक बॉलिंग करने के लिए, एक ही ओवर अपना। रिजवान को आउट करना जरूरी। 47 पे 102 चाहिए, 46 पे 102 चाहिए, लेकिन 2 आउट हो गए हैं। ग्रेट बॉलिंग, मजा आ गया वैसे। फकर जमान आते हुए, इज इट गोइंग टू बी दिस इजी फॉर अस? लग तो नहीं रहा मेरे को। बॉल पकड़ बॉल पकड़, बॉल पकड़ने को बोला था और मैंने बोल दिया ना इट वॉज इजी फॉर अस, अब इजी नहीं रहेगा। एज, बच गए बच गए बच गए, चौका नहीं लगा। वाह ग्रेट फील्डिंग बाय द वे। मेरे को पता है अगला बॉलर किसको लेके आना है, दोनों लेफ्ट के ना। ग्रेट फील्डिंग रोहित, गुड वर्क। कैच हो सकती है ये, 3 आउट हो सकते हैं, लेकिन इट्स 6। 28 रन फ्रॉम 3 ओवर्स। मोहम्मद नबी आते हुए बॉलिंग करने के लिए, ये कैसे आउट हुआ है ये मैं तुमको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे दो बढ़िया चीजें हुई हैं, एक तो मोहम्मद नबी का नया फेस आया है, दूसरी चीज ये कैच हुई थी बहुत ही क्विक थी, रोहित शर्मा ने करी। और ये कैच इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि मैं फील्ड चेंज करना भूल गया पावर प्ले की। मतलब 3 चीजें हुई हैं, उस्मान खान आते हुए एंड मोहम्मद नबी वॉज अ गुड बॉलर फॉर अस, क्योंकि दोनों लेफ्टी थे। अब दोनों लेफ्टी नहीं है लेकिन, और मैं तो भूल ही गया था कैप्टन इनका हार्दिक है, रोहित नहीं। अभी तक मेरे दिमाग में यही था कि रोहित कैप्टन है। ये तो बहुत गलत हारेंगे हारेंगे तो। इस ओवर में 2 रन और 1 विकेट, 6 रन और 1 विकेट, इट्स ओके। 2 बोलों पे 2 चौके मार दिए, अब 10 रन खा ही लिया कुछ ना कुछ करके। क्विड्जी आते हुए, वैसे क्विड्जी का बढ़िया फेस बना सकते थे, उन्होंने बनाया नहीं बस। और ये कैच हो सकती है, और होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। एक तो क्विड्जी ने पहले चौका पड़वाया, अब 6 पड़वा दिया। चलो गंदी बॉल डाली, उस पर रन तो नहीं लगा, लेकिन अगर ये दोनों रुक गए तो ये शायद जीत जाएं, क्योंकि इसके बाद इनके पास इफ्ती चच्चा है और शादाब है। और मैंने ना लाइव स्ट्रीम पे एक मैच खेला था, उसमें सैम अयूब ने मारे थे 150, इफ्तिकार ने मारे थे 200। वो मैच में कितनी बुरी तरीके से हारा था मैं बताऊंगा नहीं, वनडे मैच था, जिसको पता उनको पता है। 10 बोलो 21, 11 बोलो 21 सैम अयूब। इफ आई बोल अ स्लोअर वन इट वुड बी लाइक ग्रेट फॉर अस। देखो था तो बढ़िया, बस एज का चौका नहीं लगा, ये अच्छी बात है। 71 चाहिए 5 ओवर में पाकिस्तान को, 10 रन आया ओवर में। मोहम्मद नबी आते हुए वापस, और उस्मान खान ने पहली बॉल पर चौका मारा है भाई। ये तो जीतने के लिए जा रहे हैं, अब क्या फायदा हुआ 3 आउट करने का। भाई लेफ्ट आ गया, इस पर तो विकेट लेनी बनती है। बॉल पकड़ ले बॉल पकड़ ले, रन मत लेने दिया, रन लेने दिया, बहुत बढ़िया। ग्रेट फील्डिंग सूर्या, यू आर द नेक्स्ट कैप्टन राइट।
काफी अच्छी बॉल थी सिंगल, मतलब बॉल तो काफी बेकार थी, उससे रन नहीं लगा बस। ये अच्छी बॉल थी, ओवर में अभी तक 7 रन है, उतने ही रहे तो मैं खुश रहूंगा उस पे। बिल्कुल, 4 ओवर में 64 चाहिए पाकिस्तान को। विल जी इज बैक फॉर हिज लास्ट ओवर नाउ, आई विल बोल अ स्लोअर कटर नाउ, एज अगेन पुल करे फॉर अ सिंगल दो, ओवर थ्रो 21 पे 62 और कवर्स पे खेला है, चौका चला जाएगा। 20 पे 58 चाहिए अब। एक और कवर ड्राइव, बहुत बढ़िया, इट्स अ फोर, नहीं नहीं बचा लेगा, सपने में, अपने सपने में बचा लेगा वो। इतना अच्छा ओवर जा रहा था, खराब कर दिया। नहीं मतलब इतना भी खराब नहीं हुआ सही बताओ तो। इट वॉज अ स्लोअर ओवर, नाइस कटर एंड विकेट्स आउट, मिडल स्टंप पे लगी है बाय द वे, मतलब विकेट्स बाहर नहीं गिरी, जैसे कि बेल्स आउट। ओके अब सही है। टिम डेविड आता हुआ, 18 पर ओवर चाहिए लेफ्ट के सामने, इसलिए टिम डेविड को दिया है। होपफुली इट वर्क्स फॉर द बेस्ट, मे बी इट विल मे बी इट वोंट। भाई हो सके तो थोड़ी स्पिन करा दियो प्लीज, एक ही रन है, ये अच्छी बात है। 49 चाहिए, ये लोग तो 49 पे ऑल आउट भी हो जाते हैं। इफ्ती चचा की पहली बॉल, एज। यार मेरे को तो लग रहा था हम 10 रन शॉर्ट हैं। वाओ भाई इस बॉल पे बस 6 ना है तो बढ़िया रहेगा, लेकिन चौका आ गया। 44 चाहिए 2 ओवर में, विद जस्ट 22 रन पर ओवर, सारा आते हुए 12 पे 44 चाहिए। ग्यारह पे 38, ये चचा पागल हो जाते हैं कभी कभी। डाल डाल आखिरी ओवर, बुमराह गए, चिंता मत कर। नहीं शायद चिंता कर लेनी चाहिए, थोड़ी सी तो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। यार 2 बॉलों पे 2 सिक्स खाली, ये थोड़ी होना चाहिए था। मिड विकेट और स्क्वायर के बीच में खेला, चौका बज जाएगा तो मजा आ जाएगा। यस ग्रेट वर्क, 30 रन चाहिए अब 9 बॉलों पे, और पुल करा है मिड विकेट पे जस्ट फॉर अ सिंगल दो। 8 बॉलों पे 29 चाहिए। यार आई होप बुमराह भाई बस पुल ऑफ कर ले इसको, क्योंकि ये ठुसारा से तो नहीं हो रहा। 23 चाहिए 7 बॉलों पे। अब तो मैं वाइट गॉर्कर का ही ट्राई करने वाला हूँ, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन ना वो वाइट गॉर्कर पुल ऑफ नहीं हुई। 19 रन चाहिए आखिरी ओवर में, और सामने कौन है, बुमराह भाई। इसने अगर बुमराह को 19 रन मारे, मैं ये वीडियो ही अपलोड नहीं करूंगा, सीधी सी बात है। मार ही नहीं सकता मैं शोर हूं अब तो, लेकिन फिर शादाब ने मार दिया तो पता नहीं। वाई फियर वेन बुमराह इज हियर, है ना। कैच 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 होगी, नहीं। 4 बॉलों पे 3 सिक्स मारने, एक तो मार दिया है शायद, नहीं कैच हो सकती है, अबे 6 लग गया ये तो। 3 बॉलों पे 2 सिक्स मारने, सैम अयूब ऑन 49 बाय द वे। 2 बॉलों पे 8 रन चाहिए, 53 हो गए भाई इसके, ग्रेट इनिंग्स भाई। इस पे मैं थोड़ा ब्लफ करने की कोशिश करूंगा, बोलर स्लोअर वन, और ये चौका है आखिरी बॉल पे, बस चौका नहीं लगने देना एंड विल विन। यार इसने बुमराह को इतने रन कैसे मार दिए, मैं तो अभी भी ये सोच रहा हूँ। चलो भाई भाई जीत गए, जैसे मर्जी जीते लेकिन जीत गए। इट वॉज अ ग्रेट मैच, RCB वर्सेस पेशावर आ रहा होगा, देखना हो तो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। मैन ऑफ द मैच इज रोहित शर्मा।